नमस्कार। आज परम आदरणीय डॉक्टर दिनकर शर्मा जी, जो मेरे बड़े गुरु भाई, उनसे फ़ोन पर चर्चा हुई और ये ज्ञात हुआ कि उनकी YouTube चैनल पे हमारे उस्ताद गुरु उस्ताद भूरे खां साहब से जो तालीम हमें मिली, उस तालीम के कुछ बातें पंडित डॉक्टर दिनकर शर्मा जी ने YouTube चैनल के माध्यम से तमाम दुनिया के सामने रखना शुरू की हैं। अभी कुछ वीडियोस मैंने भी देखे और ये बहुत कमाल की बात है कि उन्होंने उस तालीम को बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से एक एक स्वर पे, जो हमारा उस्ताद का जितना भी सीखा हमें बताया गया। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि उस्ताद भूरे खां साहब, जो मुझे समझ में आता है, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सातों समंदर मिला दिए जाएं और उसमें से एक एक चम्मच प्रसाद सबको बांट दिया जाए, ऐसी हमारी स्थिति है। मतलब इस इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व है खां साहब का, भूरे खां साहब का, और जो बाज उन्होंने बनाया, वो वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद उनके उन्होंने जो चीज़ें हासिल की, और इतना कमाल उनका काम था कि न सिर्फ क्लासिकल में, ठुमरी में, गज़ल में, मांड में, आप सुनिए, मतलब हर कलाकार के साथ उस कलाकार के काम के मिजाज को समझ के और उसको बेहतर बनाने के लिए और भी क्या सुंदर तरीका हो सकता है। ये काम बहुत कम लोग दुनिया में उस्ताद लोग करते होंगे, उसमें से एक उस्ताद भूरे खां साहब अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी जो हमारे बीच, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं चंद शागिर्द उनके, और कि मुझे और जैसे दिनकर भाई हैं और भी कई लोग होंगे जो उनसे सीखे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, और हमारा गंडा, मेरा तो वहाँ जब वो आदर्श नगर में लोटस पेट्रोल पंप के वहाँ आदर्श नगर में खां साहब रहते थे, 93-94 की बात है, तब मेरा गंडा हुआ था। और जो ये बाज आज दिनकर जी ने अपने चैनल पे बताना शुरू किया है, मैं कहता हूँ बहुत खुशकिस्मत है दुनिया के वो लोग जिनको इस हारमोनियम के इस साज से और इस पटियाला और श्याम चौरासी घराने के कॉम्बिनेशन से जिनको लगाव है वो सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हारमोनियम के और दूसरे बाज कोई कमतर है या बेहतर है, ऐसी बात नहीं है, पर ये एक अलहदा एक अलग 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 तरह का बाजा जो खां साहब बजाए, इसमें बल का, जमजमे का, जो गजम गमक का पैटर्न उनके द्वारा ईजाद किया हुआ है और कोई दूसरा जगह कहीं आपको सुनने को पहले कहीं मिलता नहीं, तो बहुत ही कमाल की बातें जो खां साहब ने सिखाई, जो सीख पाए, जितना सीख पाए, बहुत कुछ सीखने को था, नहीं सीख पाए उसका मलाल भी रहेगा, लेकिन जो दिनकर शर्मा जी ने बातें बताना अभी बताई हैं, जो उनको तालीम उनके उस्ताद के साथ हुई, निश्चित तौर पे बहुत ही उम्दा तालीम उनको मिली और उतनी ही मेहनत उन्होंने की उस काम पे, क्योंकि इतना आसान बाज नहीं है हारमोनियम का जो पटियाला और शाम चौरासी का मिलन, और ये भूरेखानी बाज जो बता रहे हैं, जो भूरेखानी बाज की जो बात है, बहुत ही क्लिष्ट है। मतलब हाथों का चलन और उसका वज़न, उसका टाइमिंग को बरकरार रखते हुए ये काम करना बहुत कठिन बात है। मैं बताऊं आपको कि उस्ताद जी जब सिखाने बैठते तो बहुत सख्त मिजाज भी थे, जितने सख्त थे, पहले उनकी सख्त मिजाजी को सख्त मिजाजी उनकी पहले झेलना पड़ती थी, बाद में वो मोहब्बत करते थे,
हमेशा ये कहते हैं कि जब मैं कम उम्र में काफ़ी गंडा हुआ था, तो काफ़ी हम लोग कई बार तैयारियों पे फिदा हो जाते हैं कि क्या तैयार है क्या तैयार है, लेकिन जब शुरुआती दिनों की बात थी वो डांट के कह भी देते थे कि तैयारी तो गधे को भी आ जाती है बेटा, पहले सुरों के मिलाप को देखो, देखो सुरों के मिलाप को देखो, सुरों के मिलाने के तरीके को देखो, कैसे कौन से सुर से एक दूसरे का रिलेशन है संबंध है ये देखो, और फिर उस बात को मांझना पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगी। चिल्ला बोलते थे, चिल्ला करना पड़ेगा, या वो एक बार बार एक बात बोलते थे कि चक्कर बनाओ उसका, कोई भी बात है चक्कर बना उसका, चक्कर का रियाज करिए। जैसे पहले वो सपाट भी बताया या ये बताया कि पहले पहले सफ़ेद से अगर ये पुरिया का बनाना है तो ये जैसे अभी इतनी बात है इसका चक्कर बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से एक 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 नोट को और कॉम्बिनेशंस को और उसके बल को, हाथों का वजन बहुत बहुत बात बहुत सालों में आता है। जिनको म्यूज़िक आता है, हारमोनियम बेशक बजाने वाले हिंदुस्तान में बाहर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं, बहुत लाजवाब बाजा भी बजाते हैं, लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है, पटियाला घराने के इस बुरेखानी बाज का सवाल है, इसमें हाथों के वज़न को ताल के टाइमिंग के साथ में उसको मैच करते हुए उस बल को काट के लाना, ये बहुत अपने आप में अद्भुत बात है और बहुत मुश्किल पड़ती है। और इन सब बातों को हमें और मेरे जैसे और भी कई बहुत शागिर्द होंगे, और ख़ासकर जिनको मैं जानता हूँ बहुत है, लेकिन दिनकर जी भी कमाल का उन्होंने सीखा है, बहुत सलीके से सीख के उन्होंने इस बात को ऑथेंटिकली आज वो रख रहे हैं सबके सामने, इस बात की बहुत बेहद खुशी है। लोग निश्चित तौर पे लोगों को इस बात का फ़ायदा मिलेगा, वो सीखेंगे। जो बहुत सालों में हमने तो बहुत बार बार साथ के जाके और जो चीज़ सीखने में जितने साल और मेहनत लगी वो इतनी आसानी से, मुझे जब जैसी अभी बात हुई पता चला कि दिनकर जी ने इतने सिस्टमेटिकली उस बात को ऑथेंटिकली बहुत बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा टाइम आ गया लोगों को कि ये जैसे महाराज का खजाना या जो है राजा महाराजाओं के खजाने का द्वार खोल दिया हो एक मिनट में और कोई उसको बस ऐसे ही ले ले, पर ले तो लेगा पर पचाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो ये जानता हूँ कि जब मैं सामने बैठ के भी उस्ताद जी से तालीम ली सीखा तो उनके हाथों को देख के समझ रहे हैं, फिर भी उस बात को जब्त करने में बहुत मुश्किल होती थी। समझ के भी नहीं समझ पाने वाला बाज है, समझ के भी बजा नहीं सकते, इतना आसान नहीं है कि वो देख रहे हो आप आँख से देख के भी आप उसको काटना, उस वजन को बरकरार रखते हुए वो साउंड प्रोड्यूस कर पाना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल बात है। और इस बात के लिए हमारे उस्ताद के बाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके नाम को बढ़ाने के लिए वो ज़रूर दुआ कर रहे होंगे, जहाँ भी हैं वो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे स्थान पे होंगे। दिनकर जी को बहुत दुआ देने वाले हैं, और इस काम के लिए मैं भी उनका एक छोटा सा गुरु भाई होने के नाते उनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक कमाल का काम किया है। नमस्कार।